हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। कानों को कॉटन स्वाब और क्यू टिप से साफ करना, और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ के साफ करना। ऐसी ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन, दोस्तों आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कैलोरीज बर्न होने के जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है, और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसीलिए आइडियली आप लोगों को सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए, और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। नंबर 2, शेयरिंग मेकअप ब्रशेस एंड रेजर्स। शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। नंबर 3, हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेड शीट्स एंड पिलोस, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसीलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ और सैनिटाइज रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, नेग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन। बात जब पर्सनल और इंटीमेट हाइजीन की आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी वो अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। दोस्तों बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह आप लोगों को अपने इंटीमेट एरिया को भी रेगुलरली क्लीन और ग्रूम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल करें। असल में नॉर्मल सोप्स में बहुत से हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं और नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशली मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी तरह की इंटीमेट प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 5, सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको हमेशा पी साइज यानी मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ये वही केमिकल्स हैं जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने के बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी।